इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। सो एक्सरसाइज 9.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन है। सो उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं और ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन पार्ट, चलिए हमारा ये पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। इससे हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चीज में दे रखी है इंट्रोडक्शन हमारे में, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पार्टल्स। फिगर जो होते हैं, जैसे फिगर है एक, मान लिया कि हमने ये फिगर बनाया, हमने ये फिगर है मान लीजिए हमारा, ये फिगर है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, ये है, ये हमारा फिगर है। इसमें क्या है, ऑन द सेम बेस फिगर, ये हमारा क्या है, एक फिगर है, क्या है, फिगर है ये हमारा एक, ऑन द सेम बेस पर है ये, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब सेम पैरेलल है, अब ई एफ पैरेलल है सेम, और सी डी ए बी पैरेलल है, ए सी बी डी पैरेलल है ऐसे, और ई सी एफ डी ये पैरेलल है, ई एफ सी डी ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें ऑन द सेम बेस फिगर, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, बिटवीन द सेम पैरेलल, और यहाँ पे क्या है, सेम पैरेलल भी है, ओके। ये जो हमारा फर्स्ट वाली जो इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट चीज आई है, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और उसमें फिगर क्या दे रखा है हमारा, हमारी फिगर ये है और इसमें क्या है, द सेम बेस, और यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, बिटवीन द सेम पैरेलल, और यहाँ पे पैरेलल भी सेम है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हो गया फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ये हो गया। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द पैरेलल। अब यहाँ पे क्या आएगा, पैरेललोग्राम, चलिए यहाँ आएगा पैरेललोग्राम, देखते हैं पैरेललोग्राम में, चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पे, पहले फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम वाली, पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम बना लिया हमने यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे, नहीं ऐसे, ये हो गया, यहाँ पे है पी, यहाँ ए, पी ए, यहाँ क्यू, यहाँ बी, ऐसे, यहाँ डी, यहाँ सी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। अब नहीं, यहाँ लिखा हुआ है डी, यहाँ लिखा हुआ है सी, ठीक है। अब ये है हमारा, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अब हमारी सेकंड जो दूसरी जो बात आ रही है, सेकंड वाली जो बात है हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसमें हमारे यहाँ देखिए पैरेललोग्राम हट गया, तो दोबारा बनाने का पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया बिटवीन, इससे यहाँ से थोड़ा सा हट गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे डी लिखा हुआ था, यहाँ सी, ओके। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल,
और यहाँ पे पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये पैरेललोग्राम है एक पूरा, यहाँ पे क्या है सेम बेस है, बिटवीन द सेम पैरेलल और यहाँ पे पैरेलल भी सेम है, ठीक है ओके, यहाँ पे पैरेलल भी सेम है ओके। सो यहाँ पे पैरेलल क्या क्या है, अब ए डी पैरेलल क्यू सी ये है, अब ऐसे चाहे ऐसे तो चाहे ये भी कर सकते हैं ए डी पैरेलल क्यू सी, और यहाँ पे क्या है क्यू सी ए क्यू पैरेलल डी सी ये भी है, ठीक है अब ये हो गया क्लियर, ये हो गया सेम पैरेलल, यहाँ पे क्या है पैरेलल जो है वो सेम पैरेलल है, सेम पैरेलल है बिटवीन द सेम पैरेलल, और यहाँ पे पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, और यहाँ पे बेस भी सेम है। सो पहले क्या दे रखा था हमें यहाँ पे फिगर, क्या दे रखा था फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, अब यहाँ पे क्या आ गया पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अब हम देख लेते हैं एक थ्योरम हमारी, थ्योरम 9.1, तो थ्योरम में क्या दे रखा है चलिए थ्योरम देखते हैं हमारी, थ्योरम में दे रखा है हमारी चलिए थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 9.1 थ्योरम जो दे रखी है हमारी ओके दे रखी है चलिए लिख लेता हूँ 9.1 में क्या दे रखा है यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इक्वल इन एरिया, ये दे रखा है हमारी, ये क्या है 9.1 थ्योरम में हमारी दे रखा है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, इसमें क्या दे रखा है पैरेललोग्राम जो होते हैं हमारे ऑन द सेम बेस जिनका बेस सेम होता है बिटवीन द सेम पैरेलल जो है हमारी, जो हमने ये पैरेललोग्राम जो बनाया था उसमें यहाँ पे हमने लिख रखा था ऐसे बना रखा था हमने ये पैरेललोग्राम, यहाँ क्या लिखा हुआ था हमारा यहाँ पे हमने लिख रखा था पी पी ए क्यू बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी और यहाँ पे सी, ये लिख रखा था हमने, ठीक है अब इसमें क्या है हमारी पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, यहाँ पे क्या है बेस सेम है ना बिटवीन द सेम पैरेलल और यहाँ पे क्या है पैरेलल भी सेम है आर इक्वल इन एरिया, अब ये जो हमारा सेम बेस और सेम पैरेलल जो है पैरेललोग्राम की ऑन द पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पर ओके आर इक्वल इन एरिया, वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं एरिया में, चाहे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये हमारे क्या है ये जो पैरेलल है सेम पैरेलल जो हमारी इसमें क्या है ये इक्वल इन एरिया, इनका एरिया क्या है इक्वल इन एरिया, इक्वल इन एरिया ये क्या होता है इक्वल होता है इन एरिया में, ठीक है आर इक्वल इन एरिया ये हो गया हमारा। सो ये थ्योरम 9.1 हो गई हमारी, इसमें हमने क्या बताया पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया इक्वल इन एरिया, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ये तो हमने पहले भी बहुत बार पहले ही पढ़ चुके हैं 10 पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, और हमने फिगर फिगर भी पढ़ लिया फिर अगर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, बस इतनी सी बात याद रखनी है इक्वल इन एरिया इक्वल इन एरिया, ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, अब यहाँ पे क्या ट्रायंगल है अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है ट्रायंगल की, अब किसकी ट्रायंगल की, सो अब ट्रायंगल वाला फिगर बना लेते हैं चलिए, सो देखिए ये हो गया ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा यहाँ पे ए यहाँ पी यहाँ
यहाँ बी यहाँ सी ये लिखा गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा ट्राइंगल्स वाला, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। यहाँ लिख लेते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। और उनका क्या होता है पैरेलल क्या होती है सेम होती है ठीक है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ओके ये हो गया ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक बात और आ गई है बारी, इसको भी नोट कर लीजिए आप। इसमें क्या दे रखा है हमारा यहाँ ट्राइंगल आ गया। पहले हम क्या था देखिए फर्स्ट में सबसे शुरू में हमारा फिगर था, फिगर फिगर। सेकंड पे क्या आया फिर हमारा सेकंड यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड में आया हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ओके। और थर्ड में क्या आ गया है यहाँ पर हमारा ये थर्ड है, थर्ड में आ गया हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। अब यहाँ पे जो है ट्राइंगल ऑन द सेम बेस यहाँ पे क्या है ये ट्राइंगल है, जैसे ये है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है इसमें सारे। सो यहाँ पे जो है ये पैरेलल ऑन द सेम बेस, यहाँ पे क्या है इनका बेस सेम है बिटवीन द सेम पैरेलल, और यहाँ पे सेम पैरेलल भी सेम है। अब पैरेलल क्या क्या बन रही है ए बी पैरेलल बी सी और ए बी पैरेलल बी सी ये बन रही है पैरेलल। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसे बना, ये ट्रायंगल, ये ऐसे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे ओके। ये वाला जो ट्रायंगल है इतना, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट का ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है ए बी ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है ये पी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है ये है ए पी, ये वाला जो ट्रायंगल है ये है बी सी ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं इतने सारे ठीक है। अब यहाँ पे तीन बातें आ गई, फिगर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, बस ये याद रखने हैं, बाकी तो उसमें सारा सेम है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल ठीक है। अब थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम 9.2 थ्योरम देखते हैं हम, चलिए थ्योरम 9.2 में यहाँ पे हमें दे रखा है, थ्योरम 9.2 पे हम आ जाते हैं। थ्योरम चलिए देखते हैं, हमने 9.1 थ्योरम तो कर ली, अब आती है 9.2। वो किसके बेस पर दे रखी है, वो किस पर दे रखी है ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल पर दे रखी है, ट्राइंगल के बारे में दे रखी है। दो थ्योरम और बची हैं, ये ट्राइंगल के बारे में दे रखी है, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल इसके बारे में दे रखी है 9.2 थ्योरम और 9.3 थ्योरम। अब 9.2 थ्योरम देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं थ्योरम, थ्योरम 9.2 देखते हैं चलिए। टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, यहाँ टू ट्राइंगल दे रखा है, टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस, और क्या दे रखा है इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल and same parallels are equal in area, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात दे रखी है, यहाँ पे थ्योरम 9.2 में भी टू ट्राइंगल, यहाँ पे क्या दे रखे दो ट्राइंगल। अब जैसे हमने वो ट्राइंगल जो बनाए थे ऐसे वाले, उसमें क्या टू ट्राइंगल, उसके अंदर जो फोर ट्राइंगल थे, पर यहाँ पे क्या दे रखा है टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। टू ट्राइंगल जो होता है उनका क्या होता है ऑन द सेम बेस पर जो होता है वो, और इक्वल बेस, सेम बेस कह सकते हैं या तो फिर इक्वल बेस कह सकते हैं, एंड
बिटवीन द सेम पार्लर और बिटवीन द सेम पार्लर एंड द सेम पार्लर, और उनकी क्या है पार्लर भी सेम थी, बेस भी सेम था और आर इक्वल और बेस इक्वल भी था उनका था, एंड बिटवीन द सेम पार्लर और उनकी पार्लर जो थी वो भी सेम थी, आर इक्वल ही ले लिया, और वो जो दो ट्रायंगल बनेंगे हमारे वो आर इक्वल ही ले लिया, वो एरिया में इक्वल होंगे, ठीक है। अब फिर से वही बात आ गई, इक्वल इन एरिया, ये बात हमें ध्यान रखनी है, इक्वल इन एरिया, ठीक है। अब ये इक्वल होती है एरिया में, इक्वल इन एरिया बस, और यहाँ पे क्या पहले टू ट्राइंगल, और यहाँ पे एक बात और बढ़ेगी इक्वल बेस, क्या इक्वल बेस, इक्वल बेस होता है और इक्वल बेस और उनका क्या होता है बेस इक्वल होगा। अब आते हैं थ्योरम 9.2 पर, थ्योरम 9.2 में क्या दे रखा है हमें, थ्योरम यहाँ लिख देते हैं, थ्योरम यहाँ लिख लिया हमने, थ्योरम सही से लिख देते हैं यहाँ पे, थ्योरम थ्योरम 9.3 देखते हैं, चलिए अब क्या देखते हैं थ्योरम 9.3 में, 9.3 थ्योरम। सो ये भी क्या बताया था मैंने आपको, बस यही तो लास्ट थ्योरम बची है, 9.3 बची है। अब तो एक बस वो भी ट्रायंगल के बारे में है, तो देख लेते हैं टू ट्रायंगल, यहाँ पे भी क्या देखता है टू ट्रायंगल एंगल हैविंग द सेम, यहाँ पे क्या दे रखा हैविंग द सेम, हैविंग द सेम बेस, हैविंग द सेम बेस उनका क्या है बेस सेम है, हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेस, फिर क्या दे रखा है फिर से ब्रैकेट में और इक्वल इक्वल बेस, और क्या दे रखा है और इक्वल बेस, ठीक है, और इक्वल बेस दे रखा है यहाँ पे इक्वल बेस, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया एंड इक्वल एरिया, एंड इक्वल एरिया। सो रुक जाइए अभी मैं एक मिनट में आता हूँ, अभी एक मिनट भी नहीं लगेगा, एक सेकंड में रुक जाइए। सो देखिए गाइस अब यहाँ पे इसके बाद क्या लगता है और इक्वल बेस, देखिए एक मिनट भी नहीं लगा और मैं आ गया। सो देखिए क्या और इक्वल बेस, और इक्वल बेस के बाद दे रखता है इसमें, हम देख लेते हैं और इक्वल बेस एंड इक्वल एंड इक्वल यहां दे रखा है एंड इक्वल एरिया लाइज बिटवीन बिटवीन lies between the same parallel, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है टू ट्राइंगल हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेस एंड इक्वल एरिया lies between same parallel, अब यहाँ पे क्या दे रखा है जो दो ट्राइंगल है हैविंग द सेम बेस और उनका क्या है सेम बेस है और इक्वल है और इक्वल बेस है और बेस और इक्वल ही बेस है एंड इक्वल एरिया, और एरिया क्या है एरिया एंड इक्वल एरिया और इक्वल एरिया है सबको पता है हमें आर इक्वल इन एरिया, बस इनकी बात आ गई लाइज, फिर क्या लाइज बिटवीन द सेम पार्लर। अब इक्वल एरिया जो होता है वो लाइज करता है बिटवीन द सेम पार्लर में, अब ये भी वही मिलती जुलती बात है, अब यहाँ पे क्या लिख दिया सेम पार्लर बाद में लिख दिया बिटवीन द सेम पार्लर यहाँ बाद में लिख दिया, सो यहाँ द सेम पार्लर आर इक्वल इन एरिया और जो सेम बेस है आर इक्वल इन एरिया जो है आर इक्वल इन एरिया बेस का जो इक्वल एरिया है ना इक्वल एरिया में होते हैं बेस है ना लाइज बिटवीन द सेम पार्लर, तो लाइज कर रहा होगा एरिया तो बिल्कुल बात वही सेम है, यानी कि सेम पार्लर भी तो एरिया क्या होगा सेम पार्लर का भी एरिया होगा, आर इक्वल इन एरिया इक्वल एरिया क्या होगा उसका एरिया
इक्वल होगा सेम पैरेलल का। अब यहाँ पे ये हो गया एरिया लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल, लाई कर रहा है वो, लाई कर रहा है सेम पैरेलल को, ठीक है ये बात आ गई। अब इसके साथ साथ ये हमारा 9.3 थ्योरम कंप्लीट। अब आता है एक्सरसाइज 9.1 पर। एक्सरसाइज 9.1 में क्या रखा है चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में क्या रखा है यहाँ पे, एक्सरसाइज 9.1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या वही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 9.1 चलिए देखते हैं। हाँ तो एक ही क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस, कौन सा फिगर इसमें लाई कर रहा है सेम बेस पे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और उनका क्या है पैरेलल सेम है। इन सच केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल, और यहाँ पे हमें कॉमन बेस बताना है और टू पैरेलल बतानी है, और ये बताना है कौन सा फिगर लाइज कर रहा है। तो फिगर पहले तो बना लेते हैं हम, फिगर कौन कौन से दे रखे हैं इसमें, सिक्स फिगर दे रखे हैं, सिक्स फिगर देख लेते हैं कौन कौन से सिक्स फिगर दे रखे हैं। सो चलिए एक फर्स्ट फिगर में हमें ऐसे दे रखा है, ये हमें फर्स्ट फिगर ऐसे दे रखा है। चलिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी, यहाँ लिखा हुआ है सी, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है पी, यहाँ लिखा हुआ है बी, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट फिगर हो गया, यहाँ लिख दिया फर्स्ट, और यहाँ पे ये हो गया ये सेकंड फिगर आता है। अब यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है एम, यहाँ एन, यहाँ एस, यहाँ आर, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ पी, यहाँ क्यू, ठीक है ये लिखा हुआ है। अब ये सेकंड है, अब आते हैं हम थर्ड पर। थर्ड फिगर यहाँ दे रखा है मैंने, ऐसे बिल्कुल जैसे फिगर बने हुए हैं वैसे ही बना रहा हूँ मैं। यहाँ ऊपर थ्री बनाया हुआ, नीचे भी थ्री, ऊपर भी थ्री, तो ऊपर भी मैं थ्री बनाऊंगा, नीचे भी मैं थ्री ही बनाऊंगा, क्योंकि जब ऊपर भी थ्री नीचे भी थ्री दे रखे हैं इसलिए। यहाँ लिखा हुआ है एस, यहाँ आर, यहाँ लिखा हुआ है पी, और यहाँ लिखा हुआ है क्यू, यहाँ लिखा हुआ है पी, ये थर्ड फिगर है, ठीक है ये हो गया। अब आता है इसके बाद फोर्थ फिगर पर। फोर्थ फिगर में क्या दे रखा है, ये है फोर्थ फिगर फोर, ये हो गया ठीक है। अब इसके बाद यहाँ ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ आर, यहाँ डी, यहाँ सी, यहाँ क्यू, ये ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, ये लाइन यहाँ जा रही है, ये नहीं ये यहाँ जा रही है सॉरी, ठीक है यहाँ सी, यहाँ यहाँ क्यू, यहाँ पी, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा डी, ठीक है ये कौन सा फिगर हो गया, ये फोर फिगर नंबर फोर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये दे रखा है यहाँ पे ये बना हुआ है हमारा, ठीक है ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है डी, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है पी, यहाँ लिखा हुआ है सी, यहाँ लिखा हुआ है क्यू, ठीक है। अब ये फिगर नंबर फाइव है, बताए सिक्स फिगर पर। फिगर सिक्स, यहाँ पे सिक्स फिगर में क्या दे रखा है हमें, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बना हुआ है ये ऐसे, यहाँ लिखा हुआ है ए बी डी सी एस आर, मुझे ये दोबारा से बना लेते हैं इस फिगर को सही से, ये फिगर नहीं दे रखा था, दूसरा फिगर दे रखा है। सो अभी हम बनाएंगे, मैं आता हूं अभी 5 सेकंड में, बस 5 सेकंड ही लगेंगे। सो देखिए 5 सेकंड में आ गया मैं, ठीक है अब यहाँ देख लेते हैं। चलिए कैसा फिगर था वो, फिगर थोड़ा गलत हो गया था ना, ये फिगर अब ये फिगर दे रखा है हमें एस डी सी आर क्यू बी ए पी, ये दे रखा है ठीक है। अब ये हमें फिगर देता है, ठीक है
अब ये फिगर दे रखा है, सो यहाँ पे हमें लाइज कौन-कौन से करना है, पहले हम लिख लेते हैं लाइज कौन-कौन से करना है, यहाँ पे 1, 3 और 5 यहाँ पे लाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि इनका कॉमन बेस जान लेते हैं, पहले कॉमन बेस, यहाँ कॉमन बेस का लिखू मैं, कॉमन बेस सो यहाँ पे फर्स्ट का कॉमन बेस दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट का, ये फर्स्ट का कॉमन बेस चलिए यहाँ पे कॉमन, चलिए यही लिख लेते हैं कॉमन बेस लिखा हुआ है, सो फर्स्ट का कॉमन बेस इज इक्वल टू फर्स्ट का कॉमन बेस क्या दे रखा है, फर्स्ट में कॉमन बेस क्या है, डी और सी है ना, सेकंड वो थर्ड में क्या दे रखा है यहाँ पे हमारा कॉमन बेस, क्यू आर और फिफ्थ में क्या दे रखा है हमें यहाँ पे कॉमन बेस, फिफ्थ का है ये, फिफ्थ हमारा क्या दे रखा है कॉमन बेस हमें, एडी, क्या दे रखा है एडी, ठीक है ये हो गया एडी हमें यहाँ दे रखा है। अब क्या फिर क्या बताना हमें, सेम पार्लर, अब पार्लर सेम पार्लर भी बतानी, सेम पार्लर यहाँ लिख लेते हैं पार्लर इज इक्वल टू फर्स्ट का देख लीजिए, फर्स्ट में क्या क्या करना है पार्लर, फर्स्ट डीसी क्या यहाँ पे डीसी पार्लर चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं सेम पार्लर, यहाँ ये आ गए सेम पार्लर, यहाँ पे सेम पार्लर पार्लर तो यहाँ पे कौन कौन से डीसी पार्लर किसके, डीसी पार्लर एबी, ये एबी के पार्लर है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके बाद सेकंड का यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड का यहाँ पे क्या दे रखा है वो थोड़ी सॉरी थर्ड का क्यू आर पार्लर पी एस ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ का यहाँ लिख लेते हैं, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिफ्थ में ए डी पार्लर है बी क्यू के, ठीक है ये हो गया। अब ये बन गया हमारा, इसमें अब कॉमन सब पता चल गया हमें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया 9.1 का, ठीक है। अब इसमें कॉमन बेस भी बता दिया, सेम पार्लर भी बता दी, लाइज कौन सा उससे करना है वो भी बता दिया। सो इतना था, यही था आज का हमारा टॉपिक, सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गाइस बाय।